हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और आप सबका मेरे विलेज रूफ टॉप गार्डन आदेश मुरी फार्मिंग चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये सब तो आप जानते ही होंगे, जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको लिए पहली बार दिखा रहा हूँ कि ये सब मेरा देसी मुर्गी का टेरिस पे सेटअप है, देख लीजिए। और आज कुछ हम नया करने जा रहे हैं तो उसके बारे में बता देता हूँ। तो नया कुछ ये करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए ये मैंने बीच में बैठने का स्टैंड बना रखा है मुर्गियों का, रात में इस पे चढ़ के सोती है। तो कुछ मुर्गियाँ, ये देखिए दो तीन नई मुर्गियाँ लेके ऐड की हुई हैं इसमें। तो ये मुर्गियाँ, ये नीचे वाली मुर्गियाँ इनको मारती हैं, इसलिए ये ऊपर बैठी रहती है। खाना पीना भी कम खाती हैं, बहुत ही धीरे धीरे खाती हैं, मतलब भाग भाग के खाना पड़ता है इनको इसमें से। और ये मिट्टी का बर्तन मैं लेके आ चुका हूँ, इधर खेत वाले फार्म पे था ये मिट्टी का बर्तन। तो अभी इसमें मैंने दलिया पीस के दिया हुआ है, गेहूँ का दलिया, मतलब गेहूँ को बारीक पीस लिया है, वो दलिया बना के इनको दे रहे हैं। और अभी न्यू ऐड ये कर रहे हैं, इसके ऊपर हम छत लगाएंगे, जो ये है इसके ऊपर हम आधा छत लगाएंगे, ताकि मुर्गियाँ ये ऊपर वाली इसके ऊपर ही इनको दाना पानी दे पाएँ और नीचे एक ड्रिंकर फीडर लटका पाएँ, जिसमें से ये वाली मुर्गियाँ दाना पानी खा लें। और ये वाला बर्तन हम छत के ऊपर रखेंगे, ताकि ये वाली मुर्गियाँ भी दाना पानी खा लें। और ये मुर्गा है, ये मुर्गा क्रॉस नहीं करने देता है, वो बड़े वाला, बहुत दूसरा वाला मुर्गा, वो देखिए सामने, वो बड़े वाला मुर्गा इस छोटे वाले मुर्गे को क्रॉस नहीं करने देता। तो ये ऊपर जब मुर्गियाँ जाएंगे तो ऊपर क्रॉस कर पाएगा उनको, तो इसके लिए हम अलग पार्टीशन बना रहे हैं ऊपर की साइड में। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये मेरे फर्नीचर का सामान का टुकड़ा वगैरह, कचरा वगैरह पड़ा हुआ था, ये सब मतलब छोटी छोटी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, इन सबको जोड़ के हम एक बना लेंगे और इस पे छत के डिज़ाइन में बना लेंगे हम इसको और इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो मेरे साथ में वीडियो देखते रहिए। इसके लिए मैंने देखिए छोटी मोटी कील वगैरह ले ली है, अलग अलग साइज़ की है, मेरे को एक साइज़ की मिली नहीं, तो हमको तो काम चलाऊ लेना था, इसलिए काम चलाऊ ली है। और ये हैमर ले लिया है, छोटा हैमर, और इसे चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम इसको लगाना। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बन के बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। देखिए ये पूरा उसके ऊपर कवर हो चुका है, लगभग ये 2.5x4 के आसपास का है, देख सकते हैं आप। ये बीच में दो ऐसे ही मैंने ली थी, तो ये ऐसे ही रह गया, कोई बात नहीं है, इसमें मुर्गियाँ इसके ऊपर से इधर उधर आराम से हो जाएंगी। और ये मैंने उधर जगह छोड़ दी है, पहले से जगह थी और मैंने भी छोड़ दिया, ताकि मुर्गियाँ ये इसके ऊपर चढ़ें और इसके ऊपर चढ़ के डायरेक्ट इसके ऊपर से आए। और ये देखिए, एक अंडा भी दिया है मुर्गी ने, कौन सी ने दिया है, अभी अभी दिया है, वो देख सकते हैं आप। मेरे को लग रहा है ये उस मुर्गी ने दिया है जो अपने वाली मुर्गी थी, वो रही आगे उस मुर्गी ने दिया, क्योंकि वो अच्छे से क्रॉस हो रही है मुर्गे से। तो उस अंडे को तो हम उठा लेंगे, उठा के इसमें रख देते हैं। ये देखिए काफ़ी बड़े साइज का अंडा दिया है, प्योर देसी अंडा है, ये इसमें रख देते हैं। और अभी ये छत इसके ऊपर लग गई है, तो इसका फ़ायदा हमें ये भी होगा, इसमें धूप नहीं आएगी, ये देख सकते हैं आप, धूप आती है, ये देखिए धूप आती है, ये धूप नहीं आएगी इसके ऊपर। और ये दो मुर्गियां हैं, तीन मुर्गियां हैं, ये इसके ऊपर इजीली रह पाएंगी, इधर दाना पानी रह पाएगा इनका, और रात को सो भी पाएंगी सभी मुर्गियां। तो ठीक है, तो लगा लेते हैं इनको, अभी फिक्स नहीं किया, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, तब तक थोड़ा सा वीडियो पॉज करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फिक्स कर दिया है, पूरा सेट कर दिया है, देख सकते हैं आप, हिल नहीं रहा, पूरा फिक्स हो गया है। और इसके ऊपर ये दलिया भी रख दिया है गेहूँ का, और ये फीडर है, ये इसके नीचे की साइड में हम लगा देंगे अभी। और सब कुछ लग रहा है कि अच्छे से हो गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ठीक है, फीडर भी लटका देते हैं। और बाकी ये तीन मुर्गियाँ देखिए जो अलग रहती है, नहीं ये तीन नहीं है, ये वाली दूसरी आ गई है, वो दो हैं और एक और है जो नीचे गई हुई है, तीन मुर्गियाँ हैं, ये देखिए एक साइड में खड़ी रहती है, क्योंकि अभी ये न्यू लेके आया हूँ, दो तीन दिन हुए हैं, तो इसलिए ये ऐसे कर रही है। बाकी ये अभी ये एक दो दिन में सबके साथ में घुल मिल जाएंगी और दाना पानी ऊपर ही खा लेंगे। और जो मुर्गा है एक जो क्रॉस नहीं करता था, वो इसको ऊपर ही आके क्रॉस किया करेगा अब। थोड़ा काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है मेरे यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं है, ग्रीन नेट लगा हुआ है और हवा क्रॉस हो जाएगी इजीली, ठीक है। वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक करने के लिए आपको तो बोलूँगा नहीं, अपने आप ही लाइक कर दोगे आप। तो ये देखिए फ्रेंड्स, वीडियो अपनी कंप्लीट होने वाली है। और ये मैंने ऊपर का छत लगा दिया है, देख सकते हैं आप, ये ऊपर की छत लग गई है, और नीचे एक डंडा लगा के उसमें ये फीडर लटका दिया है मैंने। और ये देखिए मुर्गियों के पूरे पोंछ के हाइट के आसपास में ही फीडर की हाइट है, देख सकते हैं आप नीचे से। और ये अभी देख सकते हैं आप, इजीली इसमें से खा रही हैं और गिरा भी ज़्यादा नहीं रही है, नहीं तो ये नीचे से क्या करते थे, पैर से इसके अंदर गिरा देते थे कचरा वगैरह, अभी ये गिरा नहीं रही हैं और अच्छे से हैं और सभी एक्टिव हैं, देख सकते हैं आप, सब के सब हेल्दी है। मेरे पास अभी लगभग
15 देसी मुर्गी हो चुकी हैं, जिसमें से 13 मुर्गियां हैं और दो मुर्गे हैं, सॉरी सॉरी 12 मुर्गियां और 3 मुर्गे हैं, 15 हो चुके हैं। और एक कड़कनाथ का पेड़ अलग से है, वो देखिए उस केज में है, वो उस वाले केज में है। और इनका दाना पानी सब हो ही गया है, और एक दो एक पेड़ उधर भी है। ठीक है, तो यही था आज का छोटा सा सेटअप, फीडर इंस्टॉल किया है। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।